कई अस्पताल सुबह से SMS भेज रहे हैं, व्हाट्सएप भेज रहे हैं, ईमेल्स भेज रहे हैं। सरोज अस्पताल है, राठी अस्पताल है, शांति मुकुंद अस्पताल है, तीर्थराम अस्पताल है, UK हॉस्पिटल है, जीवन हॉस्पिटल है, इन सब का कहना है कि हमारे यहाँ पे ऑक्सीजन खत्म हो गई है। हम जैसे तैसे उनको कुछ सिलेंडर कहीं से दूसरे उससे रीअरेंज करके, थोड़ा सा किसी का स्टॉक ज़्यादा है उससे करके कराने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमने कराया है। लेकिन इंटरनल अरेंजमेंट तो सिर्फ और सिर्फ बहुत मेकशिफ्ट अरेंजमेंट 2-3 घंटे के लिए हो सकता है, उससे ज़्यादा हो नहीं सकता। दिल्ली के सरकारी अस्पताल और बड़े प्राइवेट अस्पताल हैं उसमें भी ऑक्सीजन अगेन कहीं 4 घंटे की है, कहीं 2.5 घंटे की है, कहीं 18 से 20 घंटे की है, कहीं किसी में 24 घंटे या 11 घंटे की है, बाकी सब में तो 4-6 घंटे, 10 घंटे, 8-10 घंटे की ऑक्सीजन बची हुई है। कुछ राज्य, और मैं नाम लेके स्पेसिफिक बोलूँ तो हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकारें इस तरह का व्यवहार क्यों कर रही हैं, जैसे कि हरियाणा और दिल्ली और उत्तर प्रदेश का आपस में झगड़ा है। ये समय, जैसा मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, आपस में झगड़ने का नहीं है, पूरे देश को इकट्ठे होकर लड़ने का है। अब हरियाणा, परसों जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उस वक्त ये था कि उत्तर प्रदेश में मोदी नगर में उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश के अधिकारियों ने वहां से डिलीवरी नहीं आने दी। कल उत्तर प्रदेश से सुचारू सिस्टम चला तो हरियाणा के अधिकारी वहां के प्लांट्स में जाके बैठ गए, उन्होंने वहां से नहीं जाने दी। हरियाणा के पानीपत के ऑक्सीजन के प्लांट से, जो एयर लिक्विड का प्लांट है, वहां से रात को 3 बजे तक ऑक्सीजन नहीं निकलने दी दिल्ली की, 12 बजे तक, और जब जाके 12 बजे वो अधिकारी हटे उसके बाद में निकली है। अगर केंद्र सरकार द्वारा कल बढ़ाए गए कोटे को छोड़ भी दें तो कल तक 378 मीट्रिक टन दिल्ली सरकार का कोटा था। इस 378 मीट्रिक टन में से उत्तर प्रदेश और हरियाणा के अधिकारियों के और वहां की पुलिस की दादागिरी की वजह से केवल 177 मीट्रिक टन ही कल उठ पाया, 177 मीट्रिक टन उठ पाया, जो कि 378 मीट्रिक टन उठना चाहिए था, क्योंकि जहां से उठना था, जहां से ऑक्सीजन उठनी थी, वहां पे पुलिस और वहां के अधिकारी आके बैठ गए, वहां के सीनियर अधिकारी आके बैठ गए, उन्होंने वहां दिल्ली के लिए ट्रक को एंटर ही नहीं करने दिया। आज भी यही स्थिति बनी हुई है हरियाणा और उत्तर प्रदेश दोनों में। आज जो दिल्ली में चारों तरफ से ऑक्सीजन की तराई तराई मच रही है, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश दोनों में ऑक्सीजन को लेकर जंगल राज मचा रखा है। वहां की सरकारें, वहां के अधिकारी, वहां की पुलिस वहां के ऑक्सीजन प्लांट से दिल्ली के लिए ऑक्सीजन निकलने नहीं दे रही है। हमारे अधिकारियों ने वहां के सीनियर अधिकारियों से बात की है, भारत सरकार के इंटरवेंशन में भी हमने बात करने की कोशिश की है, लेकिन वहां जमीन पर स्थिति नहीं बदल रही है। हमारे टैंकर्स बाहर खड़े हुए हैं, उनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, केवल हरियाणा के प्लांट में हरियाणा के टैंकर्स को अंदर जाने दिया जा रहा है। मेरी केंद्र सरकार से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि इस समय जिस दरिया दिल्ली से और जो बहुत व्यवहारिक समझ के साथ में आपने दिल्ली का कोटा बढ़ाया था हमारी रिक्वेस्ट पे, उतने कोटे की ऑक्सीजन हमको मिल सके, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसमें भी इंटरवीन करें कि हरियाणा या उत्तर प्रदेश की जो सरकारें या वहां की जो पुलिस है, वहां के एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी हैं, जो ट्रक्स को नहीं घुसने दे रहे हैं, इसमें भी आपको इंटरवीन करना पड़ेगा, उसके बिना हो नहीं पाएगा। नहीं तो इस वक्त जो त्राही त्राही दिल्ली के अस्पतालों में मची हुई है, थोड़ी देर में या कुछ समय बाद उसमें लोगों को बचाना मुश्किल हो जाएगा। हॉस्पिटल्स के लिए भी, हॉस्पिटल्स भी कहां तक मेकशिफ्ट अरेंजमेंट से काम चलाएंगे, या सरकार भी आपस में मेकशिफ्ट अरेंजमेंट करके कहां से काम चलाएगी अगर हरियाणा और उत्तर प्रदेश के प्लांट से ऑक्सीजन उठने ही नहीं दी जाएगी। तो ये मेरा रिक्वेस्ट है कुल मिला के आपसे। अब क्योंकि पुलिस वहां की इस्तेमाल हो रही है दूसरे दिल्ली को ऑक्सीजन रोकने में, तो केंद्र सरकार से मेरा रिक्वेस्ट है कि भले ही आपको पैरामिलिट्री फोर्सेज लगानी पड़े, भले ही आपको ऑक्सीजन टैंकर के साथ में पैरामिलिट्री फोर्सेज लगा के उन प्लांट्स में ऑक्सीजन भरवानी पड़े, लेकिन ये आपको इंटरवीन करना पड़ेगा, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा संभालना। और ऑक्सीजन को लेके जो जंगल राज पिछले 3 दिन से चल रहा है वो और आगे बढ़ेगा और स्थिति बहुत भयानक हो सकती है।